हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार मौर्या, BNS गोट फार्म यानी बनारस गोट फार्म, वाराणसी गोट फार्म भी कह सकते हैं। और ये देखिए, आज का वीडियो का मेन चैप्टर है बकरियों के खाने के लिए उनका नाद हौदी किस तरीका से बनाएं। ये देखिए, हमने बनाया हुआ है और देखिए बकरियां खा रही हैं। ये देखिए, इसमें बच्चे भी जो 4 महीने के बच्चे हो जाते हैं, जैसे ये देखिए ये बकरे हैं, दो देखिए खा रहे हैं इसमें। तो इस तरीका से आप बनाएं। ये जो इसकी टोटल हाइट है, टोटल मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5 लेयर, ये 1.5 फीट है। और ये इसका जो डीप है, ये जो डीप है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये 6 से 7 इंच है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका जो चौड़ाई है, ये इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। और ये देखिए बकरियाँ किस तरीके से खा रही हैं। और ये देखिए, हमने पाइप लगा रखा है, दो, एक पाइप नीचे है, एक पाइप ऊपर है, ताकि बच्चे इसमें ना घुसें और बकरियां आराम से खा लें। ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक इस पाइप का डिस्टेंस 6 से 7 इंच है। आप 6 इंच भी रख सकते हैं, 7 इंच भी रख सकते हैं, 6 से 7 इंच रखेंगे आराम से। देखिए मुंडियाँ डाल करके खा रही है, देखिए बकरी डाल रही है मुंडी, देखिए आराम से खा रही है। सिंग छोटा हो चाहे बड़ा हो, या उसमें जो है कि ये खा लेंगी। और ये देखिए बच्चे भी खा रहे हैं इसमें, ये बकरा भी इसमें खा रहा है। तो आप इस तरीका से बनाएं। और ये मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो इस पाइप का जो डिस्टेंस है, ये लगभग 1 फीट 1.25 फीट रख सकते हैं, ताकि बकरियां इसमें उछल के कूद करके जो है कि डांक करके इसको फांद के जो है कुछ पार अंदर ना जाएं। तो आप इस तरीका से बनाएं। तो दोस्तों, इस तरीका से बनाने पर जो आपकी छोटी और बड़ी बकरियाँ हैं, जो मतलब चारा खाने लगी हैं, वो इसमें खा लेती हैं आराम से। और जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं अभी और खाना सीख गए हैं या सीख रहे हैं, तो उनके लिए हमने जो है कि इधर बनाया है, ये देखिए ये, लेकिन इसमें डाला नहीं है क्योंकि अभी कुछ बच्चे थे जो कि बिक्री हो गया है, उनका सेल हो गया है, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें हम इनको कुछ अलग से दाना वगैरह जो है कि डालते हैं, तो वो दे देते हैं, सारी बकरियों को छोड़ देते हैं, इसी में ला करके दाना डाल देते हैं। तो जो खाने वाले हैं, जो खाना सीख गए हैं, वो भी आते हैं इसमें खा लेते हैं। बाकी छोटे बच्चों के लिए हमने, देखिए ये इधर एक छोटा टब है, उसमें डाल दिया हूँ। और ये देखिए एक आई है, बर्बरी की बकरी है, ये 100% प्योर बकरी है। ये देखिए इसमें इस तरीका से खा रही है, ये देखिए। और एक हमने जो है कि यहाँ रख दिया है, तो यहाँ भी आके खा लेते हैं ये लोग। और ये देखिए एक इधर घूम रहा है, तो आके कभी इसमें खाएगा तो कभी इसमें खाएगा। और एक बकरी देखिए उधर, वो टीम के पास पड़ी हुई है, खड़ी है, जो कि ये भी कभी इसमें खाती है, कभी जा उधर खा लेती है टब में। देखिए अभी जा रही है इधर, ये कभी इसमें खाएगी और कभी उसमें खाएगा, अपने माँ के पास जा रही है, कभी इसमें खाएगी। और देखिए दोनों बकरे, तो बकरी बीच वाली बकरी की जो वाइट और ब्लैक है, ये इसके बच्चे हैं, ये पूरा ब्लैक बकरा है। और ये इधर ही खाते हैं, इधर से फिर उधर जाते हैं खाने के लिए, ये खुले रहते हैं। और ये देखिए 3 बच्चे इधर छुपे हुए हैं, एक बकरा और 2 बकरी है। अभी ये इनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, तो अभी ये 11-12 दिन के हो गए हैं, ये इधर अपना घूम रहे हैं। ये जब ही खुले रहते हैं तो अपना इसी के अंदर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरीका से बनाएं, बकरियां बहुत ईजी, बहुत आराम से खाती हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको गोट फार्मिंग रिलेटेड अच्छी अच्छी जो है कि जानकारियां और वीडियो आपको मिलते रहेगा, मैं अपडेट करता रहूँगा। कुछ भी नया रहेगा। वैसे मैं जितना वीडियो डालता हूँ, वो मैं अपना पूरा प्रैक्टिकली वीडियो डालता हूँ।
मैं घूम घूम के किसी दूसरे के फार्म पर वीडियो बना के अपलोड नहीं करता हूँ। जो भी वीडियो रहता है मेरा BNS गोट फार्म का ही रहता है, और मैं अपना मेरा अभी छोटा सा गोट फार्मिंग है, धीरे धीरे इसको बड़ा कर रहे हैं। और मैंने जो है कि 3-4 बकरियों से शुरू किया था, अभी देखिए आपके सामने छोटे बड़े मिला करके 12-13 हैं छोटे बड़े मिला करके। तो दोस्तों इसको धीरे धीरे बड़ा करना है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।